पूर्व विधायक और खतियानी पार्टी के नेता अमित महतो ने रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायमुक्त प्रभात शर्मा की अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कोर्ट ने अमित महतो को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमित के खिलाफ वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव कार्यक्रम के बाद रांची के धुरुआ थाना में कांड संख्या 208/2022 दर्ज की गई थी। प्राथमिक में सरकारी काम में बाधा डालने और बिना अनुमति के सड़क जाम करने समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इस केस में उन्होंने रांची सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें अग्रिम बेल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में भी अग्रिम बेल के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद अमित महतो ने आज मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर किया है। हाँ माता जी, बोलिए, जेल जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, खतियान और खतियानी के हित में जो भी हमें करना पड़े हम तो करेंगे ही, एक नहीं 100 बार जेल जाने पड़े हम जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये विधानसभा का जो घेराव का मामला था, उस मामले में हमें बेल नहीं मिली हाईकोर्ट से भी, और इस को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और उस निमित्त हम जा रहे हैं। साथ साथ एक पुराना मामला था जो कि 2006 का था, और उस मामले में न्यायालय के द्वारा हमें और उसको एक विधानसभा घेराव का मामला था 2022 में, जिसमें इनको प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने बेल भी फाइल किया था, जिसे माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग इस मामले में गए थे, लेकिन वहाँ विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक अन्य मामले में इनको सजा कर दिया गया था, जो सोनाहातू 2006 का मामला था, सोनाहातू थाना से संबंधित था, जो उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इन्हें 2 साल का सजा हुआ था, जिसके तहत इनकी विधायकी जाती रही थी। उसी मामले को क्रिमिनल अपील में चैलेंज किया गया था माननीय उच्च न्यायालय में, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर दिया और बाकी सजाएं यथावत रखी थी। उसी क्रम में आज दोनों मामलों में इन्होंने आज अपनी गिरफ्तारी न्यायालय के निर्देश पे दिया है। उन्हें जेल भेजा गया सर? हाँ, उन्हें जेल भेजा गया। आगे आप लोग इसमें क्या, आगे की स्ट्रेटजी बाद में तय करके आपको बता दिया जाएगा।